हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड फॉरेस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाए, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है इसका, सैलरी आपको क्या मिलेगी और अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं अथवा नहीं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो कि कैसे जो है आप खुद से वेरीफाई भी कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूं, 11,500 लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, इस फैमिली में के पार्ट बन चुके हैं। आप भी फैमिली का पार्ट बन सकते हो, सिर्फ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के लिंक से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हो। तो चलिए सीधे इसके पीडीएफ की ओर हम लोग बढ़ेंगे और पीडीएफ मैं ओपन कर लेता हूं आपके लिए। और ये पीडीएफ मैंने आपको पहले भी बताया है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां से इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हो, देख सकते हो। अब देखिए आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। सिंस आप जो है फॉरेस्ट गार्ड बनने वाले हो, रेंजर बनने वाले हो, तो आपको नीचे कॉमेंट करके बताना है कि झारखंड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है एरिया वाइज लार्जेस्ट जो है सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा, सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, एरिया वाइज की बात कर रहा हूं मैं, सबसे छोटा जो है वो कौन है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं, झारखंड में टोटल जो है विधानसभा की संख्या यानी कि टोटल एमएलए जो चुने जाते हैं झारखंड में वो कितने हैं, साथ में कितने जो है गवर्नर के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो दोनों इसमें 2 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 एक्चुअली 4 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग नीचे कमेंट करके सारे क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो अधिकारी है वो आप जान लो, यहाँ पे क्या है, वन्य क्षेत्र अधिक जो पदाधिकारी है उसकी नियुक्ति परीक्षा होने वाली है। कैसे होगी, ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से होगी, कहाँ से होगी, तो वेबसाइट ये रहा www.jpsc.gov.in। याद रखिएगा सहायक आचार्य में एग्जाम में पूछ लिया गया था कि जेपीएससी के सचिव कौन है, तो याद कर लीजिए, शायद आपके भी एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता हो, सचिव कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं इसे जरूर याद कर लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वैकेंसीज जो है इन्होंने बता रखा है कि 79 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है, टोटल जो सीटों की संख्या है 170 है। बोलो कि बहुत कम नहीं है, तो देखिए सैलरी जो है बहुत हैंडसम सी सैलरी आपको यहाँ से देखिए, यहाँ पे देख सकते हो आप जो ग्रेड पे है वो 4200 का ग्रेड पे है, ठीक है, लेवल 6 पे आपको मिलेगा। और पद की जो प्रकृति है वो अस्थाई है यानी कि परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, फिजिकल क्राइटेरिया क्या चाहिए वो भी है, और उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 साल रखी गई है, मैक्सिमम जो अपर एज है वो है 35 साल। अगर आप यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हो तो 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस से आते हो तो 37 साल, या फिर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो 37 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। 38 साल के लिए जो है फीमेल जो कि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, फीमेल के लिए 38 साल एज रखी गई है, एससी एसटी के लिए 40 साल तक जो है एज रखी गई है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल एज रखी गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है यहाँ पे 37 साल रखी गई है, तो यानी कि इकोनॉमिकली यानी कि जो ईडब्ल्यूएस पॉपुलर है उसके लिए भी उम्र सीमा जनरल की तरह 35 ही रखी गई है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 5 साल के लिए जो है आपको छूट मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। आगे देख लीजिए कैसे जो है आपका चयन होगा, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने 5 चरण बता रखे हैं, 5 अलग अलग स्टेप्स से आपको गुजरना होगा। पहला है पीटी एग्जामिनेशन यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, जैसे ही आप ये पीटी पास कर लोगे आप दूसरे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस की परीक्षा। इस एग्जामिनेशन को आप अगर क्वालिफाई करते हो तो फिर आपका जो है फिजिकल होगा, पीटी होगा, ठीक है, फिजिकल जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे लिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू सेक्शन होगा, देखो थोड़ी लंबी प्रोसेस वाली चीज है, बट जो जैसे जैसे जो चीजें हैं वो मैं आपके साथ रख रहा हूँ। उसके बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो 5 अलग अलग चरणों से आपको जो है गुजरना होगा। क्लियर हो गई बातें। आगे देखिए अगर मैं पीटी की बात करूं, पीटी की जो परीक्षा के लिए इन्होंने बता रखा है, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, फिलहाल अभी आप ये समझ लो कि क्रम संख्या 1 से 7 तक जो है आपको अलग अलग टॉपिक से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 150 नंबर का ये एग्जामिनेशन होगा। पीटी और मेंस का मैं अलग से सिलेबस बना दूंगा, अगर आपको सिलेबस की वीडियो अलग से देखनी है जिसमें टॉपिक वाइज डिटेल्स बताना हो तो नीचे सिलेबस आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो सिलेबस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी फॉरेस्ट वन्य पदाधिकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुख्य परीक्षा के लिए भी इन्होंने देखिए सिलेबस बता रखा है, तो सिलेबस पे ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, अलग से एक वीडियो बनेगी उसमें जो है सारी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आरक्षण का लाभ भी इन्होंने बता रखा है कि कैसे कौन क्या ले सकता है, तो
झारखंड के जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर लीजिए, बाहर के जो लोग भी हैं वो भी अप्लाई कर लीजिए, जनरल कैटेगरी में आप जो है काउंट हो जाओगे। एग्ज़ाम फ़ी की अगर मैं बात करूं तो देखिए 600 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी रखी गई है, साथ में जो बैंक का चार्ज है जो मिनिमम चार्ज होता है 20-25 रुपये वो आपसे लिया जाएगा। तो ये जनरल और EWS कैटेगरी वाले के लिए 600 रुपये रखा गया है, और अगर आप झारखंड के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति से आते हो तो 150 रुपये आपका यहाँ पे लिया जाएगा, यानी कि OBC जनरल UR के लिए जो है ये यहाँ पे 600 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो तो 150 रुपये में आपका फॉर्म जो है फिल कर लिया जाएगा। अन्य राज्यों के लिए जो है UR में यानी कि 600 रुपये प्लस बैंक चार्ज जो भी है आपका, वो अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो आपको ये जो है फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बताया गया है, आवेदन भरने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन चीज़ों को तो खैर हम लोग देखेंगे नहीं, बहुत ही ईजी सारी बातें हैं। अगर किसी तरह का कोई समस्या आ जाए आपको तो कैसे निपटोगे, तो ऑनलाइन भरने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया गया है, वो नोट कर लीजिए, 94 31 30 14 19, फिर से बता देता हूँ 9431301419, इस पर कॉल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, या फिर दूसरा नंबर है 9431301636, इस नंबर पे भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कोई अगर एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म वगैरह भरा जाए तो। अब देखिए एक और बात, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना नाम फिल करोगे, अगर आपका इंटर ग्रेजुएशन में नाम अगर दूसरा आ गया है तो। साथ में फादर्स नेम के साथ भी वही सेम कंडीशन रहेगा, मदर्स नेम के साथ भी सेम कंडीशन रहेगा, डेट ऑफ बर्थ के साथ भी वही कंडीशन रहेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में है उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है आगे बढ़ोगे। मुख्य परीक्षा में अगर आप सफल हो जाते हो तो यहाँ पे बताई गई है कि क्या क्या आपको जो है लेकर जाना होगा, ठीक है। एक PT एग्जामिनेशन के लिए जो है आपके पास एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, या इनमें से कोई भी अगर एक वोटर आईडी जो सरकार के द्वारा, राशन कार्ड, वो आप लेकर यहाँ पे एग्जाम सेंटर में पहुँच सकते हो। तो पहले PT की एग्ज़ाम दीजिए, ऑनलाइन 10/8/2024 से शुरुआत इसकी की जाएगी, और इसकी जो डेट रखी गई है वो भी मैं आप यहाँ से दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे दिख रहा हो तो देखिए। वेट ए मिनट, उससे पहले मैं थोड़ा सा जो है एजुकेशनल और फिजिकल दोनों ये मैंने छोड़ रखा था, इसे देख लेते हैं। देखिए कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बैचलर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, स्नातक की जो डिग्री है, वो किस किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो अगर आपने कृषि से ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर लीजिए, किस कृषि इंजीनियरिंग यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करी है तो अप्लाई कर लीजिए, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान से किया है तो भी अप्लाई कर लीजिए, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भ, इसके अलावा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स वगैरह से ग्रेजुएशन करा है, जंतु विज्ञान से करा है, पर्यावरण विज्ञान से करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो सिविल, मैकेनिकल और केमिकल यानी कि जो इंजीनियर्स हैं, सीधी सीधी बात है, जो इंजीनियरिंग डिग्री जिन्होंने सिविल में, मैकेनिकल में और केमिकल में ले रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की, तो देखिए फिजिकल के लिए इन्होंने बता रखा है पुरुष वर्ग में 152.5 सेंटीमीटर जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है रखा गया है ऊंचाई, और अगर अन्य कैटेगरी की बात करूं तो 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब देखिए महिला के लिए 145 हाइट रखी गई है और अन्य कैटेगरी के लिए 150। सीना जो है आपका 79 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, यानी कि 79 में अगर आप 5 सेंटीमीटर ऐड कर दोगे दैट मीन्स 63 सेंटीमीटर आपका सीना फुलकर होना चाहिए। अगर किसी का 80 है तो 5 उसमें बढ़ जाएगा, 85 आपको फुलाना होगा, यानी कि 5 तो फुलाना अनिवार्य है। आगे देखिए, अब दौड़ की अगर मैं बात करूं तो दौड़ के लिए बताया गया है कि 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर दौड़ पैदल चलना होगा। अब दौड़ो आप पैदल चलो आपकी मर्जी। शारीरिक परीक्षण की बात करें तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा आपको, महिला के लिए है ये। तो इन दो कैटेगरी को भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने सारी बातें बता रखी है। उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी, तो ऑनलाइन आप लोग आवेदन कर ले ये है, और इसके लिए अलग से सिलेबस की वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला दूंगा। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे थे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए देवघर से बना रहा था, तो जो भी लोग जहाँ से भी देख रहे हैं प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने पूरी देख ली है। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और लोगों तक साझा भी करना है अपने दोस्तों और फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इस वीडियो को शेयर भी आप करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।